एक तरफ बिहार पुलिस के चेहरे को चमकाने की कवायद सरकार और पुलिस महकमे की आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर खाकी की छवि धूमिल करने में पुलिस विभाग के ही अधिकारी लगे हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर की महिला थाना का है, जहां गोराडीह थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार हुई एक नाबालिग लड़की को गोराडीह थाना से मामला दर्ज करने के लिए महिला थाना भागलपुर भेज दिया गया। महिला थाने में भी पीड़ित परिवार को तकरीबन 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। महिला थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष गुलशन पासवान ने पीड़ित परिवार को समाज में बदनामी होने की बात कहकर 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार आवेदन लौटा दिया। पीड़िता और उसका परिवार बार बार महिला थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों से न्याय की गुहार लगाते दिखे। घंटों मामला दर्ज होने के बाद जब जानकारी स्थानीय मीडिया कर्मी को लगी तो प्रभारी थाना प्रभारी गुलशन पासवान से मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब करना प्रारंभ किया। तब 4 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। क्या क्या गुलशन जी है, हम खाए बोले नहीं, काहे आप बोल रहे थे? नहीं गलत बात है, बदनामी होगी, केस मत करो। बात पहले मैंने मारी है, हम कुछ नहीं बोले हैं। बोल रहा है आप पर आरोप लगा रहा है? नहीं क्या आया है महिला थाना, आप कह रहे हैं कि केस नहीं? हम तो आवेदन ऐसा बात नहीं, गलत बात, आपके मुंह पर बोल रहा हूं। नो फिर आप है नहीं तो यहाँ 4-5 घंटे से खड़ा, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? अभी आवेदन आया है नहीं सर, आप काहे 5 घंटे से यहाँ खड़ा है, 11 बजे से खड़ा है, 4 बज गए। आवेदन देखिए, हाथ में आवेदन दीजिए, अभी हम तुरंत जाते हैं, आवेदन अभी दे रहे हैं, अभी गलत नहीं गलत लेके आवेदन अभी प्राप्त हुआ है, हम कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या बोल रहा था आप लोग आए तभी आवेदन ले रहा, अभी क्या बोल रहा था कि सब झूठों का काहे कर रहे हैं? नहीं सर, हाथ में विश्वकर्मा है, हम क्रिया खा के बोल रहे थे। क्या बोल रहा था कि सब काहे कर रहे हैं? बदनामी होगा। कौन बोल रहा था? गुलशन बाबू बोल रहा था। क्या है गुलशन बाबू? अब क्या है सर, ये हम नहीं जान रहे। महिला थाना में है? जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नीतीश यादव। कितना देर से हो गया पर? यहाँ आए हैं करीब 11 बजे, अभी 4 बज गया। 4 बज गया, 5 घंटा से खड़े हो? 3 बार धोप के भगा दिया, 3 एप्लीकेशन दिए लिख करके। यहाँ सब कोई बगैर पर्वी का थोड़े काम होता है। कौन हो तुम? पीड़िता का बड़ा पापा का लड़का है। आवेदन जी आप लोग आए तब मेरा सबका काम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ। क्या चाहते? पूरे मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। जी अभी आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, तो तुरंत एडिशनल एसएचओ जो हैं उनको निर्देश दिया गया एफआईआर करने का, एफआईआर करके उसको मेडिकल जाँच में भेजा जाएगा और अनुसंधान शुरू करके अगर दुष्कर्म और जो भी दुष्कर्म जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो डिले हुआ है उसके लिए भी जांच की जाएगी कि इतना डिले क्यों हुआ। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो जो महिला एसएचओ हैं वो एक ट्रेनिंग में गई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडिशनल एसएचओ को तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए थी। तो इसमें हम जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महिला हेल्प डेस्क ये महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में है और वो इसीलिए है कि महिला सहज होके और पुलिस को अप्रोच कर सकें और अपनी कोई भी पीड़ा हो या कोई भी समस्या हो उसको सहज होके बता सकें। तो ये महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में है और कोई भी महिला किसी भी समय अप्रोच कर सकती हैं और वहाँ पे एक महिला पुलिस ऑफिसर रहती हैं जिनको अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं और तुरंत उनका निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। मामला गोराडीह थाना क्षेत्र का है, जहां दुकान जाने के लिए घर से निकली नाबालिग को युवक ने अपने दोस्तों के साथ जबरन बाइक पर बिठाकर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 4 घंटे के बाद नाबालिग को छोड़ दिया गया, जिसके बाद नाबालिग घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। घटना के बाद परिजन गोराडीह थाना गए, जहां थाने में केस दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित परिवार को महिला थाना भागलपुर भेज दिया गया। महिला थाने में भी पीड़ित परिवार को तकरीबन 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। महिला थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष गुलशन पासवान ने पीड़ित परिवार को समाज में बदनामी होने की बात कहकर 3 बार आवेदन लौटा दिया। हालांकि पूरे मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। संजय बेटा सन्नी बेटी के दुकान दुकान बैठा लेके बलजबरी विक्रम कर खोजा पेजा लग लिये तिरछल में गए 2-2.5 घंटा बाद में कौन लो कर लो अले पापा है नहीं हमारे साथ संजय बेटा कर लेके बलकार लग लिये तो भैया ने समय के लिए गए नहीं कम कर लगे हमारे साथ 2-2.5 घंटा सजा मिलना चाहिए बेटे से हमें खराब कर देगा। जा रहे थे दुकान में तो लड़का हमको उठा के ले गया जंगल का और हम बोले कि नहीं जाएंगे, मम्मी पना है घर में, बोला कुछ नहीं करेगा तुम मेरे साथ बैठो, हमने बैठे जबरदस्ती बैठा के ले गया
मेरे साथ गलत तुम कर लिया। फिर हमको दो आधा घंटा के बाद थोड़े हम घर आए, सबको बताए, कब से है यहाँ थाना में? 11 बजे से। क्या हुआ मैडम? नहीं है, और एफ आई आर लेता कौन की कीजिए? मैडम नहीं थी, और उसके बाद कीजिए बोला कि गलती हो गया है। कौन से मामले में आए हुए हैं? गैंग रेप कर दिया किसी। कहाँ? फाजिलपुर बोला बड़ोखर के पास। थाना गए थे? वहाँ थाना गए थे, बड़ा वो बोला कि महिला थाना जाना होगा। लोराडी में जी। यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ बोला कि जी मैडम नहीं है, आवेदन पहले बढ़िया से लिख के लेके आओ। कितना आवेदन अभी तक है बदले? तीन बदले हैं। इसमें ये सही ना है, इसमें ये गलत है, हम लोग पढ़े लिखे ना है, किसान आदमी है। और इनका क्या कहना था कि केस नहीं करने के लिए? नहीं, इनको बोले हमको नहीं बोले, हम बाहर गए थे किसी लिखवाने। क्या बोला बेटा को? केस नहीं करते, केस नहीं करते हैं, बदनामी होगी, इससे बदनामी हो जाएगा, केस मत करो, लड़की जात है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको कि जब फांसी मिले। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की नूरपुर पंचायत की रहने वाली ज्योति कुमारी और रामपुर खुर्द पंचायत के बहबलपुर निवासी करण सिंह दोनों को रील्स बनाने के दौरान 7 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों फेसबुक पर ही जीने मरने की कस्में खाने लगे। वहीं पिछले साल 25 दिसंबर को दोनों ने भाग कर देवघर में शादी कर ली। वहीं इसके बाद लड़की की माता ने नाथनगर थाने में लड़की को बहला फुसला कर शादी की नीयत से अगवा करने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में भी शादी कर ली। वहीं पुलिस की लगातार दबिश के बाद प्रेमिका ज्योति दुल्हन के लिबास में मधुसूदनपुर थाना पहुंची और वहां पुलिस वालों को बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमिका का कहना है कि 7 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और घर वाले प्रेमिका के साथ मारपीट करते थे और उसे कमरे में बंद कर देते थे। वहीं उसने कई बार लड़की के माता पिता से शादी करने की गुहार लगाई लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद लड़की ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया और फिर प्रेमी लड़का को लेकर अपने घर आ गया और फिर घर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। वहीं प्रेमिका का कहना है कि लड़की वाले लगातार जान मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने लड़की का कोर्ट में 164 का बयान करवाया है। 6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है, वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी, हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो उसके बाद तुम आना। उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए, मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है रजामंदी से करवा दूंगा, उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब अबजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था, तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे, शादी दूसरी जगह करवा देंगे या आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो आप आइए मेरे घर। तो मैं गया, मैंने उसको घर से उसकी माँ से बात कर माँ से भी कहा, तो माँ ने भी कहा कि नहीं 2 साल बाद मैं शादी करवाऊंगा, तुम दोनों का करवाऊंगी, ठीक है। तो माँ ने 2 साल बाद बोला तो ज्योति कुमारी ने कहा कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, ये लोग कहीं और शादी करवा देंगे। बस मैंने उसको घर से लेकर आया और अपने घर पे सीधा लेकर के आया और उसके बाद बाबा नगरी
देवघर में जाके हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी रचाया। 25 तारीख दिसंबर जी कोर्ट में भी फिर शादी की। उसके बाद कोर्ट में शादी किए, जब मुझे लगा उसके पिताजी ने उसके माता ने मुझे नहीं लगा था, उसके माता ने कहा था कि माँ ने कहा था कि जाओ ठीक है तुम लोग चले जाओ, तो मुझे लगा केस मुकदमा नहीं होगा, तो मैंने जाके हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया देवघर में। और उसके बाद उसके माँ ने दो दिन बाद जा करके केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जा करके कोर्ट में जाके शादी किए, मैं करण सिंह और ज्योति कुमारी ने। आप उसी के साथ रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और वो भी मेरे साथ रहना चाहती है। क्या लगता है जो केस उस किया है वो लोग तो कोई परेशानी भी डर भी किसी तरह का? किसी तरह का डर नहीं है, परेशानी क्या है देखिए ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन के पास केस है, उसकी माँ ने केस किया है, बाकी हो सकता है कि जान मारने का भी दबाव दे, मेरी लड़की तो मेरे साथ है। पत्नी आपके साथ है? जी। और लोग जान मारने का धमकी भी दिए है क्या? धमकी दिए नहीं है, उसकी माँ बोलती थी पहले, पहले बोलती थी, अभी नहीं, आने के बाद तो बात नहीं हुई है, लेकिन पहले बोलती थी करण माँ को मरवा देंगे। डर है ना कहीं कहीं? हाँ डर है, थोड़ा बहुत डर भी है। सुरक्षा भी चाहते हैं? सुरक्षा भी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह राजपूत और मेरे पिताजी का नाम पेशर राजमोहन सिंह, साकिन बहवलपुर, थाना मधुसूदनपुर। तो आज थाना पहुंची हो, क्यों पहुंची हो? शादी लव मैरिज की है, अपने मर्जी से की है। कैसे हुआ था? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम। कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपने मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर किसी तरफ से नहीं, हम अपने मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। केस जो किए हैं पापा तुम जो? तो वो अभी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा। गलत किए हैं? जी हाँ। अब पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, कहाँ है पति अभी आपके? घर पे ही है। घर पे है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ज्योति कुमारी। खुश हो शादी से? बहुत ज्यादा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गणतंत्र दिवस आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि गणतंत्र दिवस का आयोजन उल्लासपूर्ण उत्साहपूर्ण वातावरण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पारंपरिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना विषयक झांकियों का प्रदर्शन प्रस्तावित है। झांकी प्रदर्शन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग एवं अन्य निर्धारित कार्यों के सम्यक क्रियान्वयन एवं नगर निगम को सफाई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन हेतु महादलित टोलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अन्य विभागों को निर्धारित कार्यों के सम्यक सुचारू क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। बैठक में वरीय प्रशिक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। यह योजना कारीगरों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इस स्कीम में अगर कोई कारीगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कम ब्याज में योजना के तहत 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इस योजना के प्रारंभ होने के बावजूद अभी तक योजना का लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। इसको लेकर एक विशेष योजना के तहत हर नजदीकी CSC केंद्र पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने का कैंप चलाया गया है। अब कार्यक्रम और शिल्पकारों के नजदीकी CSC केंद्र पहुंचकर यह रजिस्ट्रेशन कराकर इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर आज भागलपुर में सभी CSC केंद्रों पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम कराया गया। गौरतलब हो इस कार्यक्रम के तहत लोहार, चर्मकार जैसे कई लोग इससे अपना लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान भाजपा के भागलपुर जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज PM विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है, शिल्पकारों को लेकर बढ़ई, कुंभकार, सोनार, लोहार, चम्रकार, मालाकार, नाई, धोबी, नौ बनाने वाले, दर्जी, राजमिस्त्री, डलिया सूप बुनने वाले, ऐसे सभी ऐसे शिल्पकारों के लिए जो योजना चलाई गई है वो तो अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें। एक जागरूकता भी और शिविर भी, दोनों यह माध्यम बना है। आज यहाँ जिला स्वर्णकार संघ जिसके सचिव संजय पोद्दार जी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ के माननीय पार्षद जो है
अपने अश्विनी मोंटी जी और इस विधानसभा के प्रभारी के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना का काम देख रहे हैं छत्तीस के पार्षद अमित टिंकल जी, सब लोग उपस्थित हैं और यह शिविर में इसके कोऑर्डिनेटर जिला के सीएससी के बस जी जो प्रेम शंकर जी हैं वो उपस्थित हैं और यह शिविर अभी शुरुआत हुई है और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो हमने बताया है कि जो शिल्पकार लोग हैं जिनको यह लाभ मिलना है तो अधिक से अधिक लोग अपने निकट के सीएससी केंद्र, प्रत्येक वार्ड में सीएससी केंद्र है, पंचायतों में है, वहाँ जाएं और निःशुल्क यह व्यवस्था की गई है और अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, अपने परिवार का आधार कार्ड लेकर जाएं और एक रुपया भी वहाँ लगना नहीं है, निःशुल्क वह आवेदन करें और आवेदन होने के बाद आपका चयन होता है चयन प्रक्रिया के बाद। एक निजी दैनिक अखबार में छपी खबर से तंग आकर राजद की झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर गुप्ता मर्माहत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक प्रतिष्ठित अखबार ने मेरे बारे में दलाल बताते हुए गरीबों से पैसा ऐंठने का काम करने का और मुझे प्रॉपर्टी डीलर बताया है। अखबार की खबरों में साफ तौर पर लिखा गया है कि मैं जमीन दिलाने की बात कहकर गरीबों से 5500 रुपये करके पैसे लिया हूं। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के दौरान विशेष राशि भुगतान करने की भी बात लिखी गई है। इस खबर का खंडन करते हुए शंकर प्रसाद गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि मैं अभी तक 500 से अधिक लोगों को जमीन दिलाया हूं, जिसके एवज में कभी भी 5 पैसा भी किसी से नहीं लिया हूं। मेरी पार्टी राजद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यह कहीं से सही नहीं है। इसलिए किए कि आप लोग के जरिया से हम सबको, पूरे जनता, पूरे भागलपुर आदमियों को बताना चाहते हैं कि आप ही लोग के जरिया से आज गरीबों का जो है ना उधार हुआ, 63 आदमी को भूमिहीन को जमीन मिला केवल आप लोग के मेहनत से। हम तो बिचौलिया हैं, मेन तो आप लोग हैं, आप लोग के जरिया मिला। कुछ गलत समाचार लिखकर मेरे प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा है, गलत खबर छाप दिया गया है कि हम लोग घूस मांगते हैं, घूस मांगते हैं। और जिस आदमी का नाम दिया पेपर में कुछ निकला है सर, पेपर का नाम तो सर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि चूँकि सब मेरे लिए सुविधा दिए हैं और सबके जरिया से ही मेरा मतलब इतना बड़ा काम हुआ है। लेकिन हम संपादक महोदय से ये विनती करते हैं कि ऐसे रिपोर्टर जी को उचित नहीं होता है, हम नाम नहीं दे रहे हैं, बड़ा पेपर वाले हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा जिसका नाम जब सबका दिया गया है सर, वो सब जनता आया हुआ है, सब जनता को बुला दिए हैं, आप लोग अपने से पूछ लीजिए। पेपर के द्वारा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने घूस ले करके इस चीज को, हाँ, क्या कहना है आपका? इसका हमारा कहना है कि न्यूज को खंड छपाया जाए, अंतर हम हाई कोर्ट में केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। क्यों करेंगे, क्या मेरे खिलाफ जो है कि गलत बयान दिया गया है मेरे, इसको तो जहां पर छापना चाहिए कि गरीब को, या भी जो इसको उखाड़ा गया है उसमें 26 आदमी का सर लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या छापा है उसमें? यही कि शंकर गुप्ता घूस लेकर के जो है कि 5500 रुपया जो है ना सबसे लिया है, 8-9 आदमी का नाम दिया, सब आदमी सर यहाँ जनता यहाँ सब आपके सामने, आप लोग से विनती है, आप लोग खुद अपने से पूछ लिया जाए, जनता सब आया हुआ है जिसका नाम है सब आया है, पूछ लीजिए इनसे कि अगर हमको 5 रुपया दिया हो तो उसके बारे में बोले तो 5500 रुपया की बात मतलब है। मतलब ये जो लिखा है ये झूठा आरोप, एकदम झूठा आरोप है, एकदम झूठा आरोप है। आप आगे क्या करेंगे? आप केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे, अगर ये मानहानि का केस करेंगे, ये तो एकदम पक्का, हम नोटिस भी भेज दिए हैं। कितना आहत है इस चीज के लिए? बहुत आहत, हम खाना नहीं खाए कल से, अभी भी खाना नहीं खाए, मुँह कान मेरा देख रहे हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ा शॉट लग गया कि हम गरीबों के लिए इतना बड़ा भलाई कर रहे हैं। 500 आदमी को हम भूमि दिला चुके हैं, 500 आदमी को भागलपुर में दिलाने वाला शंकर गुप्ता है, और ये इतना बड़ा जो है कि अभी देख रहा है कि राजद पार्टी जो है आगे जा रहा है, पूरा हर जगह हवा हो रहा है कि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इतना आदमी को नौकरी भी दे दिए और साथ साथ नौकरी दिया, रहने के लिए घर गरीब को मिल रहा है, इसलिए विपक्ष वाला सब जो है ना हम गरीबों को जो है कि धाने के फेरा में है, देख रहा है बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। नौगछिया प्रखंड में पंचायत समिति की योजना में अनियमितता को लेकर और उसके गबन को लेकर आज तेतरी पंचायत समिति दक्षिणी भाग संख्या 10 के सदस्य और खंड के उप प्रमुख गौतम कुमार जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पर जल्द संज्ञान लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022-23 में कई योजनाओं का गबन का मामला सामने आ रहा है, जितनी भी योजनाएं हैं सब में अनियमितता बताई जा रही है। मामला है नवगछिया प्रखंड में घोर भ्रष्टाचार हो रही है, जिसकी मैंने शिकायत बहुत ज़्यादा पहले भी दे चुका हूँ जिलाधिकारी और सेवा DDC साहब, DPRO साहब, वहाँ के सारे पालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो सिस्टम योजना का पैसा वो और माननीय प्रमुख के द्वारा
अपने पुत्र के को वेंडर बनाकर टोटल सिस्टम का पैसा निकासी कर चुके हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार में है क्या। प्रखंड परिसर में वीडियो आवास था, फेवर ब्लॉक बिछाना था, जिसमें कि निकासी साल भर पहले हो चुकी है। 5 लाख रुपया 10 लाख का वो लोग खुद इस्टीमेट बनाते हैं, खुद निकासी करते हैं। 5 लाख निकासी हो चुकी है, कार्य नदारद है। वहाँ एक टेलर भी मिट्टी सिर्फ एक दो टेलर चल के डेट में वो भी गिराया है मेरे जांच करने के उपरांत। और दूसरा मामला है सिस्टम योजना से वहाँ एक पीसीसी रोड का निर्माण किया गया है प्रखंड परिसर में, और उसमें जो है ईंट तो मिट्टी तो दिया ही नहीं गया, ईंट बिछाया ही नहीं गया, ईंट सोलिंग भी था, मिट्टी भरा ही था, उसके बाद ढलाई रहता है, तो वो जो है ढलाई पे ही ढलाई करके अवैध निकासी कर चुके हैं। किनके द्वारा किया जाता है? माननीय प्रमुख के द्वारा किया जाता है और उनके जो पदाधिकारी हैं। मैं यहाँ से सभी पदाधिकारियों को आवेदन दे चुका हूँ, मैं इस भ्रष्टाचार में जितने भी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई की मांग करता हूँ, नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे या धरना प्रदर्शन, हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं की मांग है कि उन लोगों का बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने दे। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि डेंगू कारण बच्चे क्लास नहीं कर पाए थे, जिस कारण एग्जाम सही नहीं गया, इसी कारण किसी का एबसेंट हुआ है तो कोई एग्जाम में फेल हो गया। आक्रोशित छात्र छात्राएं वीसी से मिलने पहुंचे, लेकिन वीसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रशासनिक भवन गेट पर जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर जब छात्र छात्राओं ने वीसी के पीआरओ को कहा तो उन्होंने बताया कि आवेदन नहीं मिला है, जबकि बुधवार को छात्र छात्राओं ने आवेदन देने वक्त का रिसीविंग भी रखा है। जबकि प्रमोटेड छात्र छात्राओं का कहना है कि आवेदन सबमिट किया गया था, लेकिन वीसी के पीआरओ आवेदन से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद से छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय में आंदोलन जारी है। बीते 3 दिनों से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीसीए सेमेस्टर 5 के प्रमोटेड छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। उन लोगों का साफ तौर पर मांग है कि डेंगू की वजह से दर्जनों बच्चे क्लास नहीं कर पाए, जिसके कारण सही से पढ़ाई नहीं हो पाई, इसी कारण बच्चों की परीक्षा सही नहीं गई, जिस कारण वो लोग प्रमोटेड हो गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि बीसीए 4-5 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, न ही इसमें बच्चे हैं, सिर्फ 4-5 सेमेस्टर में वही बच्चे शामिल हैं जो पिछली बार प्रमोटेड हुए थे। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सेशन भी लेट हो गया, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे।